सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिलहाल देख पा रहे होंगे कि अभी हम कैनरा बैंक की वेबसाइट पर हैं और यहाँ पे आज हम आए हैं कैनरा बैंक से शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए। इन शॉर्ट, हमें MSME लोन के अंदर मुद्रा लोन को अप्लाई करना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो माइंड में माइंडसेट जो तैयार हो चुकी है ऑलरेडी कि यहाँ पे सिर्फ हमें ऑफलाइन ही लोन मिल सकता है, उस चीज़ को हम लोग देखने आए हैं। और एक्चुअली में हम यहाँ से ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के बारे में जानने भी वाले हैं कि आप लोग ऑनलाइन कैसे जो है मुद्रा लोन, स्पेशली शिशु मुद्रा लोन, जो कि अप टू 50,000 रुपीज़ यानी 50,000 रुपये तक का लोन आप लोग कैसे ले सकते हो। अब इसके लिए यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह है कि नहीं। तो मेन्यू बार पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा इसको बंद करेंगे तो स्क्रॉलिंग में हमें यहाँ कुछ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बेसिकली जो है फाइंड करना पड़ेगा MSME को, जिसके अंदर हमें जो है बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, कैनरा बैंक है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट है, BBPS है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन MSME लोन है, जो कि हमारे सामने आ चुका है ऑनलाइन MSME लोन। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसके बाद देखते हैं ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करता है। तो ये हमने कैनरा बैंक के वेब पेज पे दोबारा हमने आ चुके हैं और ये हमें जो है, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमें जो है लेके आ चुका है ऑनलाइन MSME लोन के अंदर, ऑनलाइन शिशु मुद्रा लोन अप्लाई करने के वेब पेज पे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि शिशु मुद्रा लोन के बारे में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे किशोर और तरुण के बारे में बात नहीं है, तो हम इसी के आज जो है हम इसको ऑनलाइन अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन में करेंगे क्लिक, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन से देख सकते हो। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे स्टक हो जाए, तो कैसे यहाँ पे आप लोग जो है अपने सिंपली जो है अकाउंट वगैरह को कंप्लीट करके और सिंपली लॉगिन वगैरह कर करके किस तरीके से जो है आप लोग कैनरा बैंक में अपना MSME लोन के अंदर शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो, इसी के बारे में जानेंगे। सो वेलकम गाइज, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल। वीडियो का इंट्रो देख के तो आप लोग समझ ही चुके हो कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कैनरा बैंक के शिशु मुद्रा लोन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है तभी आप लोग इस वीडियो को देखो, तो क्योंकि यहाँ पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कैनरा बैंक के शिशु मुद्रा लोन आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है मी लोन पाओ के यूट्यूब चैनल पर है, जहाँ पे आप लोग सबसे पहले, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही में यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है और जिसके बारे में आप हमें फीडबैक देना चाहोगे, तो इसके लिए आपको जस्ट इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और आखिर आप लोगों को क्यों लेना है कैनरा बैंक से शिशु मुद्रा लोन, अभी आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पहले बता दूँ क्योंकि MSME लोन है तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे बिजनेस लोन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यूज़ में आता है, जैसे कि KYC ऑफ योर बिजनेस, साथ ही में आपकी GST, ई रिटर्न्स फाइलिंग, और साथ ही में जो क्या कि ट्रेड है या फिर इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन है, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अपने साथ में रखने पड़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, बहुत कॉमन स्टेप है, बहुत आसान स्टेप है, अगर आप लोग उसे सही में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। तो ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे है टाइटल, टाइटल भी जैसे करोगे क्लिक तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिस पर आपको सिंपली करना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpao.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो वेबसाइट को पूरी तरीके से आपको ओपन होने देना है। वेबसाइट ओपनिंग पूरी तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पे मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी, इसके अंदर बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। आप चाहो तो इसके अंदर MSME के सेक्शन पे भी जा सकते हो या बैंक लोन के भी सेक्शन पे जा सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी अनेबल हो गई है, ना कि यहाँ पे कंटेंट। तो ऐसे में आपको जो है काफ़ी बार स्क्रॉल करना पड़ सकता है या हो सकता है काफ़ी बार आपको जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़े, तो टाइम जाएगा उसमें। तो आपको सिंपली सर्च का यूज़ करना है, यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है कैनरा बैंक, या फिर आप चाहो तो कैनरा बिजनेस भी डाल सकते हो, ठीक है। इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना है कैनरा बिजनेस, क्योंकि देखा जाए तो बिजनेस लोन के अंदर ही आपका SME लोन आता है, SME के अंदर MSME, MSME के अंदर आपका PMMY लोन, तो ये सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें, रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली आपको आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब जब आर्टिकल आपके सामने खुल जाएगा तब आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो सबसे पहले तो PMMY लोन यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, इस लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले से ही जानकारी है, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जिन भी लोगों को इन द केस नहीं जानकारी है तो वो इस आर्टिकल को सबसे पहले तो पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे वो लोग भी है जिनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता है, उनको सिर्फ फोकस करना है ऑनलाइन लोन अप्लाई करने पर, तो यहाँ पर बता दूंगा यहाँ पर कैसे लोन अप्लाई करना है। आर्टिकल के ही अंदर आपको मिलता है ये अप्लाई नाउ का लिंक, जो कि आप फिलहाल देख सकते हैं, ये सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको कैनरा बैंक के ऑफिशियल MSME लोन के वेब पेज पे। एंड देन कैसे आपको लोन अप्लाई करना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या करना है, अप्लाई नाउ के लिंक पे आपको कर देना है क्लिक।
आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधे पहुंच जाओगे कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा और सीधा ही आप लोग जो है शिशु मुद्रा लोन के ऑनलाइन एमएसएमई लोन के सेक्शन पे रीडायरेक्ट होकर आ जाओगे बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, यहाँ पे आने के साथ अब आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है वो आपको सबसे देखने वाली बात है। जैसे कि आपको पता है हमने क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक किया था, इस पर क्लिक करने के साथ ही ये हमें जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास कैनरा बैंक का ऑलरेडी अकाउंट है। तो देखो जो भी लोग कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें से 90% लोगों के पास अकाउंट होगा, बट बहुत से बंदे ऐसे भी होंगे जिनके पास अकाउंट नहीं भी होगा। तो जिनके पास है तो ये सिंपली यस कर सकते हो, तो अकाउंट नंबर वगैरह डाल लेना है, बट जिनके पास नहीं है तो नो करके मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर लेना है। तो ये काम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आप लोगों का लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन सफलता पूर्वक हो जाएगा यानी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PMMY शिशु मुद्रा लोन का ऑप्शन, जो कि कैनरा बैंक की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बताएगा मैक्सिमम लोन अमाउंट है, तो 50,000 में से आपको कितने का अमाउंट चाहिए, जिसमें से मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपये तक का है और मैक्सिमम 50,000 का, यानी 10,000 से 50,000 के बीच में आपको लोन को सिंपली अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें लोन का जो आपको टेन्योर है वो 36 महीनों तक का मिल जाएगा। तो नॉर्मली 3 साल का टाइम हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.5 रुपये 10.5% के हिसाब से है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको यहाँ पे कितने का लोन चाहिए, क्या टाइमिंग के लिए आपको लोन चाहिए। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो है इसको पूरा एग्रीमेंट को पढ़ करके अप्लाई के लिंक पर कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये डिटेल्स को डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ 5 से 6 स्टेप्स आएंगे आपके सामने, तो इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडिविजुअल या प्रोपराइटर जो भी हो, इसके बाद आधार कार्ड नंबर या फिर आप चाहो तो आधार कार्ड की फोटो या पैन कार्ड नंबर पैन कार्ड की फोटो या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी फोटो आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद की चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको प्रोपराइटरशिप में इंडिविजुअल वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअली हो या फिर प्रोपराइटर में साथ में अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर या फोटो कॉपी उसके जो है फोटो अपलोड कर देना, या पैन कार्ड फोटो और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड नंबर है उस पर आपको OTP रिसीव होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो OTP को आपको सिंपली डालने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने के बाद, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो उसका भी आपको जो है OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पर जिसका रजिस्टर्ड होगा। फिर सेकंड स्टेप पर हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पर भरनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस किस टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप क्या है, बिजनेस किस डेट से शुरू हुआ है, मेजर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस सर्विस सेक्टर किस में है, या एड्रेस बताना है उसका। ठीक है, इसके बाद आपकी खुद की पर्सनल डिटेल आएगी जिसमें नाम, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, ये बताने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। थर्ड स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट आप किस में करोगे, प्लांट्स एंड मशीनरी में, जिसमें आपको लोन कितने का चाहिए। तो चाहिए यहाँ पे आपको जो लोन अमाउंट है वहाँ पे आप खुद भी चूज आउट कर सकते हो कितने का लोन चाहिए। देन यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ लोन बताना है कि मेन लोन लेने का कारण क्या, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताना है कि आपका 2019-20 का टर्नओवर क्या है, 2020-21 का टर्नओवर क्या है और 2021-22 का टर्नओवर क्या था। ये बताने के बाद आपको जो है अपना बिजनेस का ईमेल और पर्सनल ईमेल डालने के बाद स्टेप 4 में आना है, जो कि सबसे लास्ट महीने में, जो कि कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा जहाँ पे आपको ROI वगैरह बता दिया जाएगा और टोटल बता दिया जाएगा आपका EMI और लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी चूज अच्छा लग रहा है उसमें से कोई सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट की जो है डिटेल्स वगैरह डालनी होगी, जहाँ पे आपको किस ब्रांड से जो है लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे प्रेफर्ड स्टेट में आप दिल्ली भी डाल सकते हो, दिल्ली में कहाँ पे, इसके बाद कौन से लोकेशन पे वो डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने कितने रुपये तक का लोन अमाउंट चूज़ किया, आपका नाम आ जाएगा और आपकी कंपनी का नाम, आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपके कितने का लोन अमाउंट चूज़ किया है, आपका टेन्योर क्या है और आपका हर महीने का EMI अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट के बटन ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि थैंक यू फॉर चूजिंग कैनरा बैंक और ये बहुत जल्द जो है आप तक जो है रीच करेंगे एंड डेफिनेटली जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है उसी के बेसिस पे आपके अकाउंट में जो है पैसे को सेंड कर दिया जाएगा। तो यही आसान प्रोसेस है जिसके बेसिस और बिहाफ पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है कैनरा बैंक से शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनने आई होगी, कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं है और बहुत आसान प्रोसेस है। आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के, हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी लोन पाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा गुड बाय।